एक्चुअली मैं वैलेंटाइन के लिए उन लोग से पूछा था एंड उन लोगों ने मेरे को रिजेक्ट किया कि पास किया। गाइस हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई थिंक मैं गुड मॉर्निंग क्यों बोल रहा हूँ मेरे को कोई आइडिया नहीं है। एक्चुअली मैं गुड आफ्टरनून में आप लोग व्लॉग देख रहे हो और मैं इतने शांति से इतने धीरे धीरे व्लॉग इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी सुबह का बज रहा है 5:45। बहुत जल्दी सो के उठ गया आज गाइस। मैं सच बताऊँ तो मैं सो के नहीं उठाऊँ, आप लोग मेरी आंखें देख सकते हो कितनी फुली फुली हो रखी है। तो गाइस अगर आप लोग चैनल पर न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब करना। मेरा नाम अमन है, आप लोग देख रहे हो अमन कुमार व्लॉग्स। एक्चुअली मैं व्लॉग आज ही अपलोड होगा, आज है 7 तारीख और आज से वैलेंटाइन स्टार्ट हो रहा है और गाइस मेरे पास कोई वैलेंटाइन नहीं है, बट चिंता की बात नहीं है। आज एक्चुअली में मैं दोस्तों के साथ घूमने गया, तो वहाँ पे मैं अपने दोस्तों से पूछा था वैलेंटाइन के लिए और ट्विस्ट बता रहा हूँ जिसका अपन बाद में बात करेंगे वो सबका। और मेरा पेमेंट फंसा हुआ है, आई थिंक आप लोगों को देखना चाहिए अभी। तो गाइज आज मैं साइकिलिंग में नहीं गया क्योंकि एक सीन हो गया, अच्छा खासा सीन हो गया मतलब मेरे साथ। मैं सोचा था कि मैं यूट्यूब पर अभी नहीं बताऊंगा ये चीज़, और आई थिंक मैं किसी को भी नहीं बताया था ये। तो ऐसा सीन है, मेरा पेमेंट आने वाला था, एक अच्छा बड़ा अमाउंट है वो, और ऐसा सीन हुआ कि ना मेरा जो एक्चुअली में अकाउंट था पेपाल का, उसमें क्या हुआ कि ना वो मेरा भाई बैंक अकाउंट वेरीफाई करवा के नहीं रखा था, तो इसलिए जो पेमेंट आना था वो अटक गया है। और मेरे को इतना बिल्कुल भी नहीं पता कि वो अमाउंट मेरे पास आएगा कि नहीं आएगा, कि वो वहाँ पे मतलब कि ना मेरे को लग रहा है कि अब गया, कुछ ऐसा हो गया कि नहीं आने वाला, मेरे को ऐसा लग रहा है मैं जितना वीडियो देखा हूँ यूट्यूब पर। लेकिन मेरा होप है कि शायद से आ जाए, बट और अभी मेरे को बहुत ज़्यादा नींद आ रहा है और मैं सोच रहा हूँ कि ब्लैक कॉफ़ी बनाऊँ, तो फिर मैं पानी चढ़ा के आ गया, मल्टीटास्किंग आए। एंड यप, अभी चलते हैं, मेरा कॉफ़ी बनाते हैं और साइकिलिंग में चलते हैं क्योंकि मैं कल साइकिलिंग नहीं गया था संयम के साथ। शाम को भी जाएंगे, अभी भी जाएंगे, दैट्स अ फैक्ट। और गाइस मैं सच में बता रहा हूँ ड्यूड, मेरे पापा जग गए, बट डोंट वरी गाइस, आई एम अ ब्लॉगर, आई एम अ फकिंग ब्लॉगर, सो डोंट वरी। बट मैं बहुत ज़्यादा स्लीपी हूँ, पता है अगर वो कोई हग करेगा तो मैं शोल्डर में सो जाऊंगा, बट मेरा रिलेशन लाइफ बहुत बेकार है गाइस, मैं सच में बता रहा हूँ। आई थिंक मैं बहुत गंदा हूँ उन सब चीज़ों के। तो अभी एनर्जी को बिल्डअप करते हैं, एनर्जी को लाते हैं अपने शरीर के अंदर और जल्दी से व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और मेरे यहाँ पे छाल है बहुत गंदा वाला, तो इसलिए ना मेरा जुबान लड़खड़ा रहा है बात करने में। तो आई होप आप लोग को मैं जो बोल रहा हूँ वो आप लोग को समझ आ रहा होगा। वैलेंटाइन आ रहा है और कुछ नहीं है मेरे पास कंटेंट, एक चीज नया है एंड दैट्स इज माय बेबीज। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, हाय गाइस, हाय गाइस, हाउ आर यू, क्या कर रहे हो तुम लोग, हाय हाय गाइस। वाइटी लगता है ना नींद में, इसलिए देख के मेरे को भगी है। हाय गाइस, हाय डूड, दिस इज माय बेबी ब्रो, आई थिंक मैं पापा बन चुका हूँ। आई थिंक सुनो तुम लोग, तुम्हारे डैड के पास वैलेंटाइन नहीं है बट तुम दोनों एक दूसरे के लिए वैलेंटाइन हो। मैं रात भर से सोया नहीं हूँ और मैं व्लॉग बनाने जा रहा हूँ एंड दैट दिस इज व्हाट आई डू। हाँ पापा अपडेट, और मैं अब व्लॉग दोबारा स्टार्ट कर चुका हूँ, डेली व्लॉग, दैट्स माय बॉय, दैट्स माय बॉय गाइस। एक्चुअली मैं डेली व्लॉग स्टार्ट कर दिया इसलिए मैं सोया नहीं, पता है अगर डेली व्लॉग नहीं करता तो अभी मैं सोता रहता, क्योंकि कल मैं व्लॉग नहीं किया क्योंकि मैं कल बात नहीं कर पा रहा था क्योंकि मेरे यहाँ पे छाला हो गया था और मैं कुछ बोल रहा था तो आपको समझ नहीं आता क्या। मम्मी चिल्ला रही है, मॉम आई एम अ व्लॉगर, मॉम आई एम अ व्लॉगर, सो प्लीज आप सो जाओ, दिस इज व्हाट वी डू। जब सब लोग लेफ्ट जाते तब अपन लोग राइट जाते हैं, सब सब लोग 10 बजे सोते हैं तब अपन 6 बजे उठ के व्लॉग करते हैं, अपन रात भर नहीं सोते, द फैमिली मैन देखते हैं। तो ये रही हमारी ब्लैक कॉफी बन रही है, आज ब्लैक कॉफी पी रहा हूँ, तो इसका आधा डालेंगे, ज्यादा नहीं क्योंकि मेरे को ज्यादा देर काम नहीं चलाना है। और अब इसमें डालते हैं कॉफी मतलब पानी, और डाला कॉफी क्योंकि मेरे को थोड़ा और डार्क चाहिए। चलो 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 चलो, और उजाला नहीं हुआ है, उजाला होता ना तो वहां से दिख जाता। मामा मिया, हाउ यू गाइस डूइंग, आई थिंक आप लोगों को सब्सक्राइब करना चाहिए मेरा चैनल क्योंकि मैं ना डेली व्लॉग करने वाला हूँ, तो आप लोग अब मेरा लाइफ ज्यादा देखोगे और आई थिंक अब मैं पूरा लाइफ व्लॉग करने वाला हूँ अपना, मतलब जितना भी उठूंगा, जितना भी जहां भी जाऊंगा, जो करूंगा वो सबका व्लॉग करने वाला हूँ और अब मैं कंटेंट बनाऊंगा। तो गाइस अभी बस मैं ब्लैक कॉफी पीता हूँ, इंस्टाग्राम में स्टोरी डालता हूँ @AmanKumarVlogs, आप लोगों को वहां पे फॉलो कर सकते हो। और 6 बज चुका है, जल्दी से जाते हैं साइकिलिंग करेंगे और मेरे बच्चे लोग सो रहे हैं, इन लोगों में ज्यादा परेशान नहीं करूंगा, व्लॉग आप लोग बस देखते रहो। ड्यूड दिस इज माय लाइफ ब्रो, आई थिंक अब मेरे को बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो रहा है बट मेरे को नींद भी बहुत आ रहा है, तो एक
काली वाली कॉफी मारते हैं एक क्वार्टर और चलते हैं अपन ब्लॉग करने। ओ माय गॉड गाइस, मैं तैयार हो चुका हूँ, तैयार हो के आ भी गया मैं, और अभी चलते हैं जल्दी से। आई थिंक अभी 6:15 हो गए, और आप लोगों को पता होगा मेरा आँख कितना फूला फूला था, अभी भी है, बट अभी जो मेरा नींद है ना पूरा उतर चुका है, पूरा नींद खत्म। तो अभी मैं जल्दी से निकलता हूँ क्योंकि अभी तक ये उजाला नहीं हुआ, और मेरे पास कोई आइडिया नहीं कि कहाँ जाना है, और कुछ कुछ प्लान है मेरे पास। मैं अपना बटुआ भी रख लिया हूँ क्योंकि उसमें पैसा है, अगर कुछ खाने का मन किया तो खा भी लेंगे, और कुछ नहीं पता अभी कहाँ जा रहा हूँ मैं। तो चलो, तो अभी मैं मिडिल ऑफ मार्केट रुका हूँ, मार्केट में रुका हूँ, और मैं देख रहा था बस कि यहाँ पे भीड़ भाड़ कैसा है। आई गेस मेरा जो ये ईयरबड है या फिर क्या बोलते हैं इसको, मेरे को कोई आइडिया नहीं है, ये मेरे को तकलीफ दे रहा है बहुत ज़्यादा, बहुत कम नॉइस वॉइस आ रहा है इसका तो, और मैं अभी भी नहीं बोल पा रहा हूँ। और भाई सच में बहुत ठंडी है, बहुत ज़्यादा ठंडी है गाइस, मेरे को लगा था कि ना ठंडी नहीं रहेगा, तो वहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि होने वाला है बहुत जल्दी। हाईवे के साइड जाऊँगा ना तो वहाँ पे ये बेनिफिट रहेगा कि मैं सनराइज़ को अच्छे से देख सकूँगा, तो फिर यहाँ से चलाते हुए जा रहा हूँ पीछे जाऊँगा, फिर पीछे देखो क्या सीन लग रहा है भाई। अभी अपन फ्लाईओवर के ऊपर बढ़ रहे हैं, और भाई सच में गाइस मेरे को ऐसा लग रहा है कि इन हाथों को ना कोई एकदम बर्फ पानी में डुबा दिया है, इतना ज्यादा ठंडा लग रहा है। तो भाई सच में मेरे आँख से तो आंसू आ जा रहे हैं, इतना धीरे धीरे चला रहा हूँ तो भी। एंड 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 गाइस, अगर मैं यहाँ जा ही रहा हूँ तो मैं सोचा कि अपने दोस्त आर्यन को भी कॉल करता हूँ, उससे बहुत महीनों से मुलाकात नहीं हुई है। अपन लास्ट टाइम तभी मिले थे जब अपन बैडमिंटन खेलने जाते थे। भाई मेरा हालत खराब हो गया यार इतना चलाने में, मेरी ये भाई इतना ठंडी है, और यहाँ पे ना चलाने में बहुत तकलीफ हो रहा है मेरे को तकलीफ हो रहा है। बता दूसरों का एक अंकल आ रहे हैं, उनसे पूछ रहे कि उनको तकलीफ होता है कि नहीं। भाई वहाँ से आते थे यहाँ तक की हालत खराब हो गया, और अंकल अभी तक नहीं है, तो मैं सोचा यहाँ पे खड़े होकर ना एक खास बात बताता हूँ। अगर इस वीडियो में 1 लाख व्यू आया ना तो फिर मैं इस रोड में, जिसको ना भूतिया रोड भी कहते हैं, 32 बंगला का रोड, तो यहाँ पे मैं रुकूंगा 3 बजे। अगर इस वीडियो में उतना व्यू आता है तो फिर ट्राई करते हैं उतने आने का, अगर आ गया ना भाई तो सच बता रहा हूँ रुक जाऊंगा मैं 3 बजे। तो गाइस अभी का सीन देखो, अभी टाइम नहीं पता मेरे को कितना हो रहा है, मैं आर्यन को कॉल किया बट वो पिकअप नहीं किया, और मेरा सामने का चक्का इतना ज्यादा डग है ना, और बस अभी बहुत तगड़ा मजा आ रहा है मेरे को, मेरे को ऐसा फीलिंग हो रहा है ना यार, चल दे यार ट्रक चल दे तू पहले, मेरे को ऐसा फीलिंग हो रहा है कि मेरे को अब हर दिन सुबह 5 बजे उठना पड़ेगा, उसके बाद फिर अपना काम खत्म करके फिर ये सब वीडियो बनाने निकलना पड़ेगा भाई, क्योंकि क्या ही सीन है यार, मतलब इतना ज्यादा फ्रेश एयर ना मैं पिछले 4 महीने में कभी नहीं लिया हूँ पता है, क्योंकि अभी मेरे को जितना ज्यादा फ्रेश लग रहा है ना, मतलब मैं नींद में था एकदम, उठा मैं कॉफी पिया और फिर दोबारा काम पे लग गया, एंड दैट्स इट। मैं रात भर वेब सीरीज देखा हूँ द फैमिली मैन, क्या तगड़ा है यार, और हाईवे भी इतना प्यारा है ना, तो मेरे को तो लगाव आ गया भाई सुबह, मतलब कि ना अब मैं ट्राई करूंगा कि हर दिन सुबह उठूं और आऊं यहाँ पे। अभी मैं साइकिल से उतर गया, अभी मैं ना नेहरू नगर गया था जो आई थिंक भिलाई का सबसे प्रीमियम वाला एरिया है ना, वहां गया था मैं, और भाई मैं साइकिल से इसलिए उतर रहा ना मेरा कुल्ला टाइट हो गया था भाई, चला रहे में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा था, तो इसलिए ना मैं उतर गया, और मैं लिटरली में अपनी जांघों को फील नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा ना तेज चला रहा था मैं, क्योंकि मेरे को कार्डियो कर रहा था ताकि ज्यादा कैलोरी लूज हो, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा शक्कर खाता हूँ, चाय पीता हूँ, और कल रात में ही अपन लोग ना जलेबी भी खाए थे, और अभी का मेरा नहीं पता पहन क्या घर जाके, बस अपन जा रहे हैं अभी, और देखता हूँ मेरे को अभी ना बहुत काम है क्योंकि मेरे को व्लॉग भी एडिट करना है, और क्या क्या काम है। हाय अंकल, बाय अंकल। गाइस ये जो जिम है ना लाइफ फिटनेस, ये साहिल खान का है, और मेरा एक्चुअली मेरा ड्रीम है कि मैं इस जिम में आऊँ, वो भी अपने पैसे से, पापा के पैसे में तो सब चल जाएंगे, लेकिन जब मैं खुद कमाऊंगा तब जाऊंगा मैं इस जिम में। गाइस अभी मैं अपना लाइफ रिस्क में डाल के वीडियो बना रहा हूँ, देखो कैसे डगडगा रहा है मेरा साइकिल भाई, लिटरली मैं इतना ज्यादा डग ना कुछ नहीं होता है, लेकिन मेरा साइकिल रहता और पापा का सामने का चक्का भाई क्या हिल रहा है, अगर मैं पूरा स्टेबल भी हो जाऊं ना देखो कैसे हिल रहा है भाई, ये इतना गंदा किसी चीज को मैं कभी हिलते हुए नहीं देखा भाई, क्या खतरनाक तरीके से ऐसे ऐसे करके हो रहा है ये भाई, इतना भाई क्या हो कह रहा है हैंडल को। चलो अब ठीक है भाई, अब आराम से चलते हैं, और मेरे इसमें अभी भी ब्रेक नहीं है, राइट वाले साइड में ही है, और उजाला भी हो गया, आज सनराइज नहीं हुआ, कोई बात नहीं, कोई बुरा सीन नहीं है, कुछ बुरा नहीं हुआ, बस इतना अच्छा है कि अपन सब। गाइस
गाइस फाइनली अभी सनराइज हो रहा है और मैं सोचा कि अभी मेरे पास ये सबसे अच्छा मौका है कि मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि वैलेंटाइन वाला क्या सीन हुआ था। उसमें एक्चुअली में ऐसा हुआ था कि ना अपन सब लोग, जैसे पता है अपन सब दोस्त लोग गए थे, बट तीनों लड़कियों ने बोला कि हम लोग को वीडियो में मत लेना, तो इसलिए उनका जो पार्ट रहेगा जिसमें मैं उनसे बात कर रहा हूँ वो वाला हाइड रहेगा, तो सेंसर रहेगा सीधा सीधा से बोलूँ तो आप लोग देख सकते हो वाला क्लिप ये जो मैं एक्चुअली में वैलेंटाइन के लिए उन लोग से पूछा था एंड उन लोग ने मेरे को रिजेक्ट किया कि पास किया। आप लोग ये सुनो, वैलेंटाइन में क्या कर रही है भाई? सो तू क्या कर रही है वैलेंटाइन में? मैं एग्जाम दूंगी, उसे एग्जाम है मेरा। अच्छा, तुम दोनों कहाँ जा रहे हो अकेले? आज वैलेंटाइन में बाहर जाओगे? मेरे लिए वैलेंटाइन। बस गाइस यही सीन हुआ था मेरे साथ और ये हमारी राम प्यारी। और गाइस अगर आप लोग मैदान में आते हो खेलने या फिर पार्टी करने, तो गाइस प्लीज ऐसे गंदा तो मत किया करो यार, कितना ज्यादा गंदा है यार जगह। देखो वहां पे पूरा रैपर्स पड़े हुए हैं यार, ये चीज सही नहीं है। पता है अगर आप लोग घूमने आ रहे हो घूमो, बट ये जो गंदगी है ना प्लीज ये सब मत करो, ये चीज बहुत बेकार है। ये रहा मेरा पुराना स्कूल, एलिमेंट्री स्कूल, और बस भाई यहाँ की तो यादें ही बची है बस। हाय गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे को नहीं पता मैं क्यों वापस इंट्रो बोल रहा हूँ, बट ऐसा सीन है कि ना मेरा बहुत ज़्यादा पेन है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा, मतलब कि ना मैं अभी नाश्ता खा के उठा और बहुत ज़्यादा पेन है, मैं बात नहीं कर पा रहा हूँ, बट मेरे को वीडियो बनाना है इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। और भाई मैं कुछ बोल रहा हूँ ना तो एक्चुअली मेरे दाढ़ा से टकरा रहा है मेरा जीभ, तो उसके कारण बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। हमेशा मोटिवेट रहो और कभी किसी दूसरे का मत सुनो कि ये कर सकता है तू, वो कर सकता है तू, इसमें चल दे तू, उसमें चल दे, जो तुम्हें खुद को अच्छा लगता है तुम वो करो, और दूसरे का मत सोचो कि क्या बोलेंगे, क्या करेंगे, वह करेंगे, ठिमकाना फंकाना, यू नो लाइक एक लाइफ मिली है और उस लाइफ को एक रिग्रेट में मत बदलना कभी भी, कि रिग्रेट नहीं होना चाहिए तुम्हें किसी चीज़ का कि यार अगर मैं इसको करता तो ऐसा हो जाता, ऐसा करता तो वैसा आउटकम हो जाता। तो गाइस देखो ट्राई करो, जब तक ट्राई नहीं करोगे तब तक तुम फेल नहीं होगे, और जब तक तुम फेल नहीं होगे तब तक तुम सक्सीड नहीं करोगे, एंड दैट्स इट, दिस इज हाउ आई वर्क ब्रो। और आई थिंक जो पुराना मन था जो मोटिवेशन स्पीच देता था वो बैक, वो भी वापस आ चुका, तो मैं यही बोलना चाहता हूँ गाइस, मैं जाके 2 घंटा सोऊंगा, 10 बजे से क्लास है मेरे को, जिससे कोई मतलब नहीं है, कॉलेज मेरे लिए से भगा देंगे मेरे को, ऐसा बोल दूंगा तो मैं बस यही बोल रहा हूँ गाइस, मैं मिलता हूँ आप लोग से कल नए ब्लॉग में। थैंक यू सो मच वॉचिंग, आज का यही था सफर हमारा, बाला सी यू फेस ब्रो। अगर नए थे तो सब्सक्राइब कर देना यार, मेरे जीप के लिए कर देना, टंग